अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर मर्चेंट और आप लोग देख रहे हैं मर्चेंट टीवी। इमाम अली अलैहि सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगा, या अली, मरने के बाद बरजक में इंसान सबसे ज्यादा खुश कब होता है? बस ये कहना था तो इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, बरजक में इंसान तब खुश होता है जब उसे मालूम होता है कि रहमत के खजाने लेके जिंदा इंसानों के लिए रमजान आ गया। रमजान के महीने में मरे हुए लोग जिंदा लोगों की तरफ देख के बार बार कहते रहते हैं कि ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, ये वो मुबारक महीना है जिसको हमने नहीं समझा, इसकी कदर से वाकिफ आज हम हुए हैं, इसमें एक नेकी का सवाब हजार नेकियों से अफजल है, इस महीने में एक सजदे का सवाब हजार सजदों से अफजल है। वो जो लोग जिंदा हैं उन्हें कहते रहते हैं कि इस महीने की बरकत को पहचानो, और फिर चीखने लगते हैं। तो उस शख्स ने कहा, या अली, मुर्दा लोग चीखने क्यों लगते हैं? इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, वो फरियाद करते हैं मरे हुए इंसान के जो रिश्तेदार या दोस्त जमीन पे जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, उनको देख के ये कहते रहते हैं कि हमारी कजा नमाजें पढ़ो, हमारे लिए नेकियां करो, हमारी नियत से कुरान पढ़कर हमें हदिया करो, गरीबों को खाना खिलाकर उसका सवाब हमें हदिया करो। वो कहते हैं कि जिंदगी में हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुम सिर्फ हमारे लिए इतना करो, अपनी दुआओं में हमें याद रखो। वो एक एक नेकी के लिए एक एक रिश्तेदार को उम्मीद की निगाह से देखने लगते हैं। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जब भी रमजान आए अपने मरहूमीन के लिए नेक आमाल करना ना भूलना, क्योंकि बरजख से तुम्हारे मरे हुए लोग तुमसे सवाब की उम्मीद रखते हैं, तुमसे सवाब की उम्मीद रखते हैं, तुमसे सवाब की उम्मीद रखते हैं।